based on particular integral, partial integral, partial fraction. आज हम इसमें partial fraction पे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण पढ़ेंगे. पहला सवाल है, I is equal to integral of x minus 2 dx upon x plus 1 x square plus 1. तो ये जो है इसका पहले partial fraction करेंगे x minus 2 divided by x plus 1 x square plus 1 का. तो x plus 1 linear factor है और x square plus 1 क्या है, quadratic factor है, repeated one times. तो इसको जैसे पहले बताया उसी विधि से a upon x plus 1 plus bx plus c upon x square plus 1 के फॉर्म में तोड़ लेंगे और फिर इसका एलसीएम लेंगे, इससे ए बी सी कोफिशियंट्स निकालेंगे. ए बी सी जो कोफिशियंट्स आएंगे उसकी वैल्यू वापस पुट कर देंगे. जैसे इस एग्जांपल में ए इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, बी प्लस थ्री बाई टू और सी माइनस वन बाई टू आया. तो ये पूरा इंटीग्रल आई इज इक्वल टू बन गया है माइनस थ्री बाई टू इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस थ्री बाई टू एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन बाई टू डी एक्स अपॉन. तो इन तीनों के अलग अलग इंटीग्रल करेंगे. माइनस थ्री बाई टू कॉन्स्टेंट है तो एक्स वन अपॉन एक्स प्लस वन का लोग एक्स प्लस वन हो गया. एक्स स्क्वायर प्लस वन को इसमें टी मानेंगे तो टू एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा. एक्स डी एक्स डी टी बाई टू तो थ्री बाई फोर हो जाएगा लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस वन बाई टू. ये सीधा है टेन इनवर्स एक्स प्लस इसमें सी एड कर देंगे. नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी. ये एग्जाम्पल नंबर टू रहेगा. इसमें क्या है कि दोनों क्वाड्रेटिक है न्यूमरेटर और डिनोमेटर. तो एक बार पूरा भाग जाएगा और बाकी लीनियर फैक्टर को डिवाइड कर देंगे. तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया वन प्लस ए अपॉन एक्स माइनस सी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस डी. फिर एलसीएम ले लेंगे दोनों तरफ. एक बार एक्स इजिकल टू सी पुट करेंगे, एक बार एक्स इजिकल टू डी पुट करेंगे. इसे कैपिटल ए और बी का वैल्यू निकल जाएगी. तो अब पूरा इंटीग्रल आई इजिकल टू हो गया वन डी एक्स प्लस ए डी एक्स अपॉन एक्स माइनस सी प्लस बी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस डी. तो इसका लॉग एक्स माइनस सी इंटीग्रल हो गया, इसका लॉग एक्स माइनस डी हो गया. वेयर कैपिटल ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट. इन दोनों की वैल्यू पहले निकाल कर रख दिए, ए और बी का वापस मान पुट कर देंगे. और इसमें सी पहले से आ रहा है इसलिए ई ले लिया कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स सिक्स. इसमें एक्स की पावर सिक्स को इस टाइप से रखेंगे एक्स क्यूब और पावर टू. ये ए की पावर एम इंटू एन से ए की पावर एम एन बन जाएगी. एक्स क्यूब को इसमें टी ले लेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी हो जाएगा. एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा डी टी बाई थ्री. तो इसका सीधा हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला लगा देंगे वन अपॉन टू ए लोग एक्स माइनस ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स वाला. इसमें ए की वैल्यू क्या हो गई वन हो गई और टी का मान जो है एक्स क्यूब पुट कर देंगे. नेक्स्ट में ले रहे हैं अपन त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन. इसमें क्या है साइन एक्स और कोस एक्स में चलेंगे ये सवाल. तो जहां मान लो साइन क्यूब एक्स है तो इसको साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया. आप साइन स्क्वायर एक्स को वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर देंगे और कोस एक्स को इसमें टी मान लेंगे. तो ये इसका सॉल्यूशन आएगा. जहां दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं तो वहां इसमें जैसे मान लो साइन फाइव एक्स है ये ओड नंबर है तो इसको एक साइन एक्स अलग कर देंगे साइन फोर एक्स. साइन फोर एक्स को अपन ने दो भागों में डिवाइड कर देंगे वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स यानी वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स की पावर टू. तो इसमें कोस एक्स को वापस टी पुट कर देंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया डी टी. तो ये वापस टी में कन्वर्ट हो गया टी का वापस मान पुट कर देंगे. तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में इस टाइप से करेंगे.